अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बरियाल तबाक। आज मैं आपके साथ में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही एकदम लाइट हेल्दी चिकन की ग्रेवी बनाई है मैंने। बहुत ही अच्छी है, एकदम ये देखिए एकदम लाइट ग्रेवी, नमकीन चिकन बनाया है और कितना अच्छा बना है, कितना देखने में भी टेस्टी लग रहा है, एकदम बहुत ही फर्स्ट क्लास बना है। इस रेसिपी को ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत ही अच्छी लगेगी। और इसके साथ में आप नान के साथ खा लीजिए या फिर पराठे के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगेगी, या फिर ज़ीरा राइस उसके साथ ले सकते हैं। चलिए इसको मैं सर्व करती हूँ गर्मा गर्म, एकदम बहुत ही अच्छी बनी है ये चिकन। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। आप इसको कुलचे के साथ या फिर पराठे के साथ में ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी लगेगी। और थोड़ा सा इसमें से धनिया गार्निश करेंगे और बस। चलिए फिर हम लोग मिलके बनाते हैं इस वीडियो को। ये मैंने 400 ग्राम विद बोन जो है वो चिकन ले लिया, इनको मैंने अच्छे से साफ कर लिया। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा ही जाएगा क्योंकि अभी ग्रेवी में भी पड़ेगा। और फिर इसके अंदर थोड़ा हल्का सा नमक डालूंगी, फिर इसमें मैं नींबू डालूंगी, एक आधा नींबू नहीं छोड़ दूंगी इसके अंदर। ये सब बीज आ गए, इनको बीजों को निकाल दूंगी और इसे मिला के मैं 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी। आप चाहे तो आधा घंटा के लिए रख दीजिए। और इससे क्या होगा कि चिकन के अंदर थोड़ा मसाला भी चला जाएगा और थोड़ा जूसी भी हो जाएगी। अब बिल्कुल बहुत ही लाइट मसाले की चिकन बनेगी, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे इसके अंदर और देखिएगा बहुत ही अच्छी बनेगी। इसको मिला के मैं रख दे रही हूँ और जब तक के बाकी के जो मसाले और रेडी होने हैं वो कर लेते हैं। ये मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में है ना मैं कुछ ये 2 प्याज डाल दूंगी और इनको कट करके फिर इसमें मैं डालूंगी कुछ हरा धनिया की डंडियाँ, क्योंकि जो ऊपर की हरा धनिया की जो पत्ती होती है उससे ज़्यादा ये स्टेम में अच्छे फ्लेवर होते हैं और बहुत अच्छी होती है। फिर उसके अंदर मैं कुछ डाल दूंगी बादाम, इसके अंदर 5 से 6 बादाम डाल दूंगी जो मैंने भिगा लिए थे और पानी में छील के इसको रख दिए। फिर इसके अंदर कुछ मैं 5-6 काजू डाल दूंगी। और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाइट सिंपल सी रेसिपी है और तो खाने में भी बहुत टेस्टी रहेगी। ज़्यादा इसके अंदर मसाले नहीं है, ना तेल इसमें जाएगा तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसके अंदर मैं डालूंगी इसमें 4 मैंने हरी मिर्च डाल दी और कुछ ये जावित्री के फूल डाल दिए ये देखिए, और फिर इसके अंदर एक जायफल का टुकड़ा डाल दिया। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी पानी, पानी बस इतना डालूंगी कि ये मसाला हमारा सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। देखिए चिकन को मैंने मसाले लगा के रख दिए हैं और इसको मैं सॉफ्ट कर लूंगी। थोड़ा सा गैस को मीडियम स्लो करूंगी और लीड लगा दूंगी जिसमें ये जल्दी से पक जाए और एकदम झटपट बन जाती है रेसिपी। ये जो मसाले पक रहे थे इनको मैंने गैस बंद कर दिया था और ये अभी ठंडा हो गया है। तो देखिए अच्छे से इसको मिक्सर में डाल के मैं पीस डालूंगी। इसके अंदर मैंने थोड़ा तेल डाल दिया, तेल डालने के बाद में ये जितना भी चिकन है वो मैं इसको इस तेल के अंदर डाल दूंगी, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा चिकन को पकाऊंगी, इसमें चिकन को फ्राई कर लूंगी तो इससे इसका टेस्ट काफी अच्छा हो जाएगा और सारा चिकन का पानी जल जाए। मसाले थे वो मैंने पीस लिए मिक्सर के, इसके अंदर मैं दही ऐड कर दूंगी 2-3-4 टीस्पून यानी कि 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें दही ऐड कर दिया। अब ये चिकन देखिए इसके अंदर पक रही थी और अच्छे से एकदम वो हो रही है, पानी इसका सारा जल गया है। इसको इस तरीके से चला देंगे, थोड़ा भून लेंगे, कच्चापन निकल गया है, तेल छोड़ दिया है एकदम चिकन में। अच्छे से वो पलट दिया है उसको, एकदम ग्रिल टाइप की हो गई है, फ्राई हो गई है चिकन हमारी। इससे क्या है चिकन में और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है और इसका पानी जो जल जाता है तो उससे टेस्टी हो जाती है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको मैं भूनूंगी
थोड़ा इसको फास्ट पे ही भूनती रहूंगी, अदरक लहसुन को, चिकन को। चिकन देखिए अच्छे से भुना जा रहा है और इसका अदरक लहसुन भी अच्छे से भुन गया। अब इसके अंदर जो मैंने व्हाइट मसाला जो पीस के रखा है वो इसके अंदर डाल दूंगी, प्याज वगैरह जो पीस के डाले हैं। गैस को फास्ट रखूंगी और इसे पकने दूंगी। मिक्सर के अंदर जो भी पानी था उसमें आधा कप पानी मैंने डाल के मसाले को एकदम निकाल दिया है, मसाला वेस्ट नहीं हुआ। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड कर दूंगी क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी नमक डाला था हाफ टी स्पून के जितना, फिर इसमें मैं हाफ और डाल रही हूँ। अगर आप अगर डालते हो तो अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। फिर इसके अंदर मैं डाल दूंगी कुछ मसाले, जैसे कि एक टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्ची, फिर कुटा हुआ धनिया, क्रश किया हुआ धनिया मैं हमेशा अपने पास में रखती हूँ पीस के। फिर इसके अंदर मैं डाल दूंगी जीरा, ये गरम मसाला 1 टीस्पून, और इसको मैं अच्छे से चला दूंगी। चलाने के बाद मैं इसको मीडियम गैस पे मैं रख के 15 से 20 मिनट तक इसको रख दूंगी, जिसमें ये चिकन अच्छे से गल जाए। बीस मिनट हो गए, इसको खोल के देखते हैं। ये देखें काफी अच्छे से पक गया और इसके अंदर से तेल भी छोड़ दिया चिकन ने। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी कुछ सारी हरा धनिया और फिर इसमें थोड़ी सी कुछ कटी हुई लंबी लंबी अदरक और कुछ हरी मिर्चें, डिपेंड आप कितना खाते हैं स्पाइसी उस हिसाब से डालिए। और गैस को बंद कर दूंगी। ये चिकन रेडी हो गई है। चलिए फिर मिलते हैं अल्लाह हाफिज़ अगली रेसिपी के साथ।